हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाथ को और पैर को साफ करने, क्लीन करने के लिए, गोरा करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए क्या चाहिए हमको? दूध, गुनगुना दूध। उसके बाद चाहिए हमको गुलाब की पंखड़ियाँ। उसके बाद एक टब चाहिए जिसमें अच्छे से हाथ और पैर को आप क्लींजिंग कर सके बढ़िया से। उसके बाद एक टॉवल लेके उसको क्लीन कर लीजिए। सेकेंड हमको करना है स्क्रब। स्क्रब के लिए चाहिए हमको चावल, घर में चावल पीस के उसको मिक्सी में पीस के उसको छान लीजिएगा, वही आटा लेना है आपको। इसके बाद लेना है एलोवेरा जेल और फिर चाहिए हमको ग्लिसरीन। इन तीनों को अच्छे से स्क्रब भी मिक्स करके स्क्रब बना लीजिए और अच्छे से हाथ और पैर दोनों पर अप्लाई कीजिएगा। ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं, नॉर्मल हाथ से कीजिएगा। इसको आप 10 मिनट तक रहने दीजिएगा। 10 मिनट बाद इसको आप वॉश कर लीजिएगा। क्लींजिंग को भी आप 10 मिनट तक रहने दीजिएगा, फिर वॉश कीजिएगा। इसके बाद हमको थर्ड जो लेना है वो करना है मॉइस्चराइज। हाथ और पैर को मॉइस्चराइज करने के लिए चाहिए हमको बादाम का तेल। सेकेंड चाहिए हमको ऑलिव ऑयल। इसके बाद चाहिए बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ लेना है। इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बना के अच्छे से अप्लाई कीजिए हाथ और पैर पे। इसको 20 मिनट तक रहने दीजिएगा, फिर वॉश कीजिएगा। आपको ऐसा वीक में 3 बार करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।